फ्रेंड्स, इस प्लांट का नाम है थनवर्गिया इरेक्टा। बड़ा ही अजीब सा नाम है, लेने में बड़ा डिफ़िकल्ट है। इसको हिंदी में बोलते हैं नीलकंठा का पौधा। और सबसे जो इजी मुझे लगता है इसका जो नाम है ब्लैक बुश वाइन। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में इसका नाम यही वाला लूँगी, ब्लैक बुश वाइन, क्योंकि इसको अलग अलग नामों से जानते हैं और यही वाला नाम मुझे ज़्यादा ईजी लगता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर नाम की बात नहीं, यहाँ पर पौधे की बात हो रही है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत प्लांट है। तो नाम मैं लिख दूँगी इसके ऊपर, आप समझ जाइए कि ये कौन सा प्लांट है। और अगर आप प्लांट के शौकीन हैं, फूलों के शौकीन हैं, और अपने घर में कोई ऐसा पौधा चाहते हैं जिसे आप लगाने के बाद आपको ढेरों फूल मिले, तो फ्रेंड्स मैं इस प्लांट का नाम आपको रेकमेंड करूँगी, इस प्लांट को रेकमेंड करूँगी कि ये प्लांट लगाने के बाद मुझे फूलों की कमी नहीं रही है। भर भर के फूल देता है फ्रेंड्स ये, आपके घर आंगन को ढेर सारे फूलों से भर देगा, ना कि सिर्फ ये आपके प्लांट में देगा। ये प्लांट के ऊपर गिरते हैं, ये हर दिन ग्रो होते हैं, हर दिन ही गिरते हैं, और गिरने के बाद जब ये नीचे ज़मीन पर पड़े होते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। अच्छी बात ये है फ्रेंड्स कि एक ब्रांच में एक फूल नहीं आता, एक ब्रांच पे कई सारे फूल आते हैं, 7-8 फ्लावर आते हैं। नई नई ब्रांचेस आती रहती है, पुरानी ब्रांच होती हैं तो उसमें ढेर सारे फूल आते हैं। और ऐसा भी नहीं, इस प्लांट में आपको कटिंग करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ये अपने आप ही ढेर सारी ब्रांचेस खुद ब खुद निकाल लेता है। कटिंग करेंगे तो सोचिए ज़रा इसमें कितनी सारी इसमें ब्रांचेस आएंगी। तो ये अपने आप को इतना बुशी कर लेता है कि आप सोचते रहेंगे कि इसकी डंडियाँ इतनी सारी आह कहाँ से रही है। इसी वजह से ये इतना ज़्यादा फैलता है और इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इसके ऊपर जब फूल आते हैं तो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मैंने जब इसे लिया था तो ये जस्ट एक डंडी का फ्लावर था, फूल था इसमें, और डंडी सिर्फ एक से दो डंडियाँ थी। और तकरीबन एक साल हो चुका है इस पौधे को मेरे घर में लगे हुए, और इस पौधे ने जो ग्रोथ दिखाई है, जो फ्लावरिंग दिखाई है, वो सच में बहुत अमेजिंग है। फूल की बात करें तो बहुत ही सुंदर फूल हैं, एकदम चटक नीले रंग के कलर है। और ये इनकी जो बर्ड्स हैं वो भी बहुत सुंदर है, थोड़ी थोड़ी हार्ट शेप जैसी होती हैं, और एक साथ ही बहुत सारे आते हैं तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। फूल की अगर आपको चाहिए चढ़ाने के लिए भगवान को, तो फूलों की कोई कमी नहीं रहेगी। आप तोड़ने में कंजूसी नहीं करेंगे, आप जितने मर्जी तोड़ें आपको अगले दिन दुगने ही मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। दूसरी बात आती है फ्रेंड्स मेंटेनेंस की। ज़ीरो मेंटेनेंस प्लांट है, कुछ भी नहीं मांगता, ना कटिंग, ना पानी, ना खाद, ना ही इसके लिए कोई धूप वगैरह की कोई दिक्कत। आप इसे लगा दीजिए एक बार, बस हल्का फुल्का पानी दे दीजिए और ये बढ़ता जाएगा और बढ़ता ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाय चांस आप इसे पानी देना भी भूल जाते हैं तो बिना पानी के भी ये कई दिनों तक चल जाता है। बात अगर पॉट में की जाए, मैंने ज़मीन पर लगा रखा है, लेकिन अगर आप पॉट में लगा दें तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स पॉट में लिमिट्स होते हैं बहुत सारे, उसको में आपको पानी देना ही पड़ेगा, आपको उसमें ज़्यादा थोड़ा बहुत खाद भी देना पड़ेगा। तो ये है कि आपको पानी का ध्यान रखना पड़ेगा पॉट के अंदर अगर आप लगाते हैं, लेकिन अगर ज़मीन पर लगाते हैं तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मज़े से आप इसको लगा कर फ्री हो जाइए और मज़े लीजिए इसके फूलों के। लेकिन अगर आप पॉट में लगाना चाह रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा सिर्फ पानी को लेके, थोड़ी महीने में एक आध बार इसको खाद दे दीजिए, बस फिर आपको फूलों के